हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3X 5G फ़ोन है, तो वीवो T3X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में की रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इंक्रेज कर सकते हैं अपने फ़ोन की रैम को। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन की रैम आप कैसे इंक्रेज कर सकते हैं और बढ़ा पाएंगे अपने फ़ोन में, रैम को कैसे इंक्रेज कर सकते हैं फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं, इसमें स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही बेल आइकन सब ओपन हो जाएंगे, जिसके ज़रिए फ़ोन की रैम को आप इंक्रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में और रैम को इंक्रेज कर पाएंगे। तो देख सकते हैं कि सेटिंग्स पर जाना, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जिस पर जाकर फ़ोन की रैम को आप इंक्रीज कर सकते हैं, कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं कि आपके पास रैम मैंने स्टोरेज स्पेस आ रहा है, तो इस पर चले जाना है। इस पर जाकर रैम ऑप्शन पे चले जाना है। इसके ज़रिए फ़ोन की रैम को आप इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में और इंक्रीज कर पाएंगे। सिंपली एक्सटेंडेड रैम को ऑन करते हैं, कुछ सेकंड के अंदर आपका एक्सटेंडेड रैम ऑप्शन से ऑन हो जाता है, जिससे अपने फ़ोन की रैम को रीस्टार्ट करके आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं। जब आप इसको ऑन कर देंगे तो रैम आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से फ़ोन की रैम को बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से रैम ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली रैम सेटिंग्स पे जा सकते हैं और रैम सेटिंग्स पे जाकर यहाँ से रैम को इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से अपने फ़ोन की रैम को इंक्रीज कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।